अस्सलाम वालेकुम असलम वो टॉपिक का नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है एनिमल सेल की मगर देखा जाए ये कवर्ड होती है सेल वॉल से और किसके अंदर प्लांट सेल के अंदर तो प्लांट सेल में ये कवर्ड है सेल वॉल से जबकि आउटर मोस्ट बाउंड्री जो एनिमल सेल की है इसको नाम देते हैं देरको प्लाज्मा मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनती है प्रोटीन की जो परसेंटेज है वो साठ से अस्सी परसेंटेज है लिपिड ट्वेंटी से फोर्टी परसेंटेज है जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कार्बोहाइड्रेट Quantity में मौजूद होती है। हमने को किया है, टू के से, on the basis of structural मतलब के से हमारे पास दो तरह के मॉडल मौजूद है एक है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और एक है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आप देख सकते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के लिहाज से प्रोटीन पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर कर रही है जैसे कि ये आउटर डबल रोटी है ये इनर डबल रोटी है और सेंटर में अंडा मौजूद है तो सैंडविच की तरह कहने वाला यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है जबकि मोजेक मॉडल के लिहाज से प्रोटीन कहीं कहीं मौजूद है और ये मोजेक इरेगुलर मौजूद होती है ये सैंडविच की तरह नहीं कहता जिसका नाम क्या है फ्लूड मोजेक मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के लिहाज से जो प्रोटीन है ये कंटिन्यूस है पूरी मेम्ब्रेन को कवर कर रही है और फ्लूड मोजेक मॉडल के लिहाज से प्रोटीन इज नॉट कंटिन्यूस ये कंटिन्यूअस नहीं होती लिपिड बाइल इस सैंडविच है ये अंडे के तौर पे मौजूद है इन बिटवीन आउटर एंड इनर प्रोटीन लेयर ऊपर और नीचे और सेंटर में लिपिड बाईलेयर सैंडविच की तरह जो मौजूद है ये यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहता है जबकि फ्लूइड मोजेक मॉडल कहता है लिपिड बाइलेयर इज नॉट सैंडविच इन बिटवीन आउटर एंड इनर प्रोटीन लेयर ये कौन है फ्लूड मोजेक मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल लेस एक्सेप्टेबल मॉडल है जबकि फ्लुइड मोजेक मॉडल मोर एक्सेप्टेबल मॉडल है जिसका कहना यह था कि प्रोटीन इंबेडिड है मौजूद है लिपिड बाइलेयर के ऊपर कैसे एज

वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आप देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर चार्ज पोर्स होते हैं ये चार्ज पोर्ड्स के थ्रू मूवमेंट होती है सब्सटेंस की टेक प्लेस अगर अंदर कोई मटेरियल आना है या बाहर किसी चीज ने जाना है तो जिसके थ्रू मूव करके जाता है वो चार्ज पोर्स नजर आते हैं छोटे छोटे सुराख नजर आते हैं जो किसके पास मौजूद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास है इवन के इवन जो प्लाज्मा ममब्रेन हम इसको एक और भी नाम देते हैं सिलेक्टिवली डिफरेंशियली परमीएबल मेम्ब्रेन कहते हैं क्योंकि ये इजाजत देती है सिलेक्टिव सब्सटेंस को गुजरने के लिए मतलब पास थ्रू इट अलो करती है सिलेक्टिव सब्सटेंस को कि वो इजीली पास थ्रू इट वो आसानी से गुजर जाए इस वजह से इसको सिलेक्टिवली डिफरेंशियली परमीएबल मेम्ब्रेन का नाम दिया जाता है जो इजीली क्रॉस कर जाते हैं वो कौन है लिपिड सॉलीबल सब्सट्रेट्स आसानी से ईजिली क्रॉस कर जाते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे वाटर आ गया गैस आ गया और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ये इजीली क्रॉस कर जाते हैं जो इजीली क्रॉस नहीं करते वो लिपिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस है या चार्ज पार्टिकल्स है जो लिपिड इनसॉल्युबल है ये भी इजीली क्रॉस नहीं कर सकते जबकि चार्ज पार्टिकल सोडियम और पोटेशियम ये भी इजीली क्रॉस नहीं कर सकते इस वजह से हमने इसको नाम दे दिया सिलेक्टिवली डिफरेंशियली परमीएबल मेम्ब्रेन है अब इसी तरह अगर देखा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक सबसे मेन जो मैकेनिज्म सिस्टम चल रहा है वो है ट्रांसपोर्टेशन एक है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव का मतलब हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन ये पैसिव ट्रांसपोर्ट कहलाती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लो कंसेंट्रेशन से मूव करना हाई की है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन आप इसको नाम दे देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जैसे पैसिव को पता है लो की तरफ है और जबकि एक्टिव हाई की तरफ है अगर लो की तरफ पैसिव है इसको डाउन हिल कहते हैं जबकि एक्टिव हाई की तरफ से इसको अपहिल मूवमेंट का नाम दिया जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ए की जरूरत नहीं है नॉट रिक्वायर ऑफ ए जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में रिक्वायर किसकी ए की जरूरत होती है हमारे पास पैसिव की डिफरेंट टाइप्स है एक है डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट सिंपल क्या आती है द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन यही डेफिनेशन किसकी है डिफ्यूजन की अगर मैं कहूँ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन पर गुजरना सेमी परमिबल मेम्ब्रेन से गुजर के जाना ये ऑस्मोसिस के डेफिनेशन है और जबकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन थ्रू कैरियर प्रोटीन अगर कैरियर प्रोटीन का वर्ड आ जाए तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है तो तीनों में एक चीज कॉमन है हाई से लो की तरफ मूव करना अगर semi -permeable के थ्रू तो osmosis है और अगर हाई से लो की तरफ जाना थ्रू कैरियर है तो इसको कहेंगे इसी तरह active transport की हमारे पास टाइप आ जाती है एग्जोसाइटोसिस एक्सो का मतलब बाहर आउटसाइड जाना मतलब बाहर जाना बाहर किसका जाना द आउटेक ऑफ मटीरियल मटीरियल सेल से बाहर जाना कैसे बाय आउट फोल्डिंग जब ये आउट फोल्ड होगा कौन प्लाज्मा आउटफोल्ड होगा किस फॉर्म में इन फॉर्म मतलब बाहर से अंदर मटेरियल आ रहा है कैसे बाय इन फोल्डिंग जब मम्ब्रेन अंदर की तरफ इनफोल्ड हो रही है प्लाज्मा मम्ब्रेन कैसे हो रही है इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल अब इसको नाम देते हैं है। अब क्वेश्चन ये है कि एंडोसाइटोस अंदर कौन आता है या तो सोलिड मटेरियल आएगा या तो लिक्विड मटेरियल मटेरियल आएगा अगर अंदर आता है इसको कहेंगे जो कि एंडोसाइटोसिस के फर्दर टाइप है और अगर लिक्विड मटेरियल अंदर आता है तो एंडोसाइटोसिस की जो दूसरी टाइप है उसका नाम क्या पिनोसाइटोसिस है सोलिड का मतलब इनगल्फ ऑफ सोलिड मटीरियल बाय सेल सेल का इनगल्फ करना सोलिड मटीरियल को अंदर लेके आना